साईयो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। इतने दिन गुजर चुके हैं, अब तो कुछ चमत्कार करो बजरंगबली। अरे अरे क्या हो गया मुनि बेटा, अरे हमारा वहां कुछ काम नहीं है। मुनि बेटा सुनो ना, मुनि रुको तो, मुनि लेकर कहाँ जा रही हो? नहीं कहाँ जा रही हूँ, यही लेके जा रही है। आज तक शिरडी में जिसने जो भी अपराध किया, कोई भी सरकार पर सीधा हमला नहीं था, तब भी सरकार ने ऐसी सजा दी जो हम खुद नहीं देख सके अपनी आंखों से। तो ये बच्चे क्या देखेगी? मत लेके जाओ इसे, इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। सुना ना क्या कहा उन्होंने, चलो घर चलो, चलो घर चलो। मत करो बेटा, हमें वहां नहीं जाना है। मुनि मैं जरा देखकर आती हूँ कि वो लौटा कि नहीं। भाईजा, अगर उसने कहा है कि वो कहीं नहीं जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। शिरडी है कितनी बड़ी, अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है तो हमें समाचार तो मिल जाएगा। अप्पा 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 अप्पा, बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। सरकार के साथ सारी भीड़ खंडहर की तरफ जा रही है। खंडहर की तरफ? सुना गांव में कोई काला जादू करने वाला फकीर आया हुआ है और उसने अपनी जादू की ताकत से सरकार पर हमला किया है। जिस बात का डर था वही हुआ। सरकार यही है वो। कौन है तू? युगों से इंसानियत इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। जवाब आसान नहीं है। सीधा सीधा उत्तर दे मेरे प्रश्न का। उत्तर सीधा है। अगर आप अपने अहंकार को शांत करके सुन पाए तो।
हरिओम। मैं केवल सत्य सुनना चाहता हूं, केवल सत्य। कौन है तू? हरिओम। जो इस ओम में बसा है वो मैं। मैं ना तो मन बुद्धि इंद्रियों से बना शरीर हूं, ना ही विशाल विश्व, ना अप्रकट ब्रह्मांड। मैं ना करता हूं ना कारक हूं, मैं तो अनादि पौराणिक सनातन साक्षी हूं। मैं सब में हूं, सब में। कभी अहंकार के पर्दे खोल कर देखिए, सब बराबर दिखेंगे। देखो, ये कहता है कि ये ओम में बसा हुआ है, ये कहता है कि ये सब में है, सर्वव्यापी है। कहीं इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि ये ईश्वर है? हाँ हाँ, मैं ईश्वर हूं। जैसे आप ईश्वर हैं, जैसे यहां मौजूद हर व्यक्ति ईश्वर है, मुझ में और आप में फर्क है तो सिर्फ इतना कि आप अपने अंदर के उस ईश्वर तत्व को भूल गए। आपके अंदर आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि उसमें अब ईश्वर नहीं, सिर्फ मैं के लिए जगह बची। भटका मत। ईश्वर कहता है ना अपने आप को? ईश्वर लोगों के घर पर जाकर भीख नहीं मांगते। भगवान कृष्ण जब संदीपन ऋषि के आश्रम में रहते थे, क्या उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन नहीं बिताया? और महादेव, महादेव का खप्पर याद है जिसमें वो भिक्षा मांगते थे? और बुद्ध, क्या बुद्ध ने भिक्षु की तरह अपना जीवन नहीं बिताया? भिक्षा मांगते थे, लेकिन जिनके घर भिक्षा मांगते थे वहां टोना टोटका नहीं करते थे। अगर आपके अहंकार में इतनी आग नहीं होती तो वो फूल कभी नहीं जलता। हरिओम। सरकार के पास इतना भी समय नहीं है कि तुझ जैसे पाखंडी पर व्यर्थ करें। क्या देख रहा है? जब सरकार बात करते हैं तो उन्हीं के बातों पर ध्यान होना चाहिए तेरा, समझा?
एक तो तूने मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, अब पत्थर उठा रहा है तेरी ये हिम्मत? देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। सरकार एक बात बताऊं, अगर इस पागल तांत्रिक को कड़ी से कड़ी सजा देनी है पुलिस के हवाले कर दो, वो इसकी अच्छी खबर लेंगे, नहीं तो ऐसे पागल तांत्रिक का पता नहीं क्या किस पर कौन सा मंत्र फूंक दे। पकड़ो इसे। क्या बिगाड़ा तो मेरी बच्ची ने किसी को, इसके साथ ऐसे अन्याय क्यों हुआ? ईश्वर ये तेरा कैसा न्याय है? पता नहीं उस बैरागी की क्या दुश्मनी थी मेरी बच्ची से, ऐसा निशाना साधा सिर पर जैसे कि सोच के बैठा था। अब पुलिस सुबह आएगी और इसे मारेगी और साथ में लेकर भी जाएगी, तब पता चलेगा इसे कि इसने क्या किया है। समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बीमार है मित्र से आती है, ये कोई चमत्कार है क्या? अरे देखो फिर से खुल गई। इसका बदन तो तप रहा है,
इस छोटी सी बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था, अब इसे कौन बचाएगा? अब इसका क्या होगा? इसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बहुत लाड़ प्यार से पाला है इसे हमने। उस बैरागी का कभी भला नहीं होगा, देख लेना। साई ने अगर इसे पत्थर मारा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। साई कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकता है, पूरा विश्वास है मुझे। की माँ है, सबका ख्याल रखती है, फिर भी उस बैरागी की तरफदारी कर रही है। अगर यही पत्थर तात्या के सिर पर लगा होता तब भी आप यही कहती क्या? हाँ, मैं तब भी यही कहती। कोई बात नहीं, मैं भागूंगा नहीं। पंताजी, उठो, जागो। कबीर सुता क्या करे, जागे न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पांव पसारे। कुछ समझ में आया? ये सुनाने के लिए जगाया है, सोने दो। वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों भी गहरी नींद में सो ही जाओगे। जब तक जाग सकते हो जागो, जागते क्यों नहीं? उस प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते? जागो, सोने दो भाई। राम जी भला करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अजी सुनते हो? हमने सब घरेलू नुस्खे अपना लिए, लेकिन मोनी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है।
अब एक ही उपाय है, आप सरकार के पास जाइए। अरे कैसी बात करती हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि सरकार बिना पैसे के किसी का इलाज नहीं करते हैं, और उन्हें देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे घर आना तो दूर, वो हमें दवा भी नहीं देंगे। एक काम कीजिए, हाँ अपना अपना ये कंगन लेके जाइए, जाइए सरकार के पास, मेरे बच्चे को बचाइए, जाइए जल्दी जाइए आप। मेरे बच्चे नहीं। शास्त्री जी अब आते ही होंगे पुलिस के साथ। ऐसे तांत्रिकों के साथ अंग्रेज सरकार कितनी घृणा करती है ये उस पाखंडी बैरागी को अब समझ में आएगा। और उस तांत्रिक को पकड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार मुझसे और भी प्रसन्न होगी। मैं अपनी गंतव्य की ओर और शीघ्रता से बढ़ूंगा। हरिओम सरकार। हरिओम सरकार। सरकार हमसे जो भी बन पड़ा हमने इलाज किया सरकार, लेकिन अब हमारी बच्ची को आपकी दया दृष्टि की जरूरत है सरकार। हमारी बच्ची की हालत बहुत खराब है सरकार, उसे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सरकार मना मत कीजिएगा सरकार। सरकार सरकार ये मुझसे जो भी मन पड़ा आपके लिए लाया हूं सरकार। मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए सरकार, मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए सरकार। तुम जैसे अनपढ़ गवार लोग न्याय व्याय कुछ समझते हो कि नहीं? उस तांत्रिक ने तुम्हारी बच्ची को पत्थर फेंक के मारा है, ऐसे में उसे मैं हाथ भी नहीं लगा सकता हूं। कहीं मेरे उपचार से उसे लाभ ना हुआ और वो जीवित ना बची तो पुलिस मुझे भी आरोपी बना देगी। हरिओम। इसलिए पुलिस उस बैरागी को पकड़ के ले जाए, बाद में देखूंगा तुम्हारे बच्ची का क्या करना है। कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसको। हटो भाई, भाई साहब से रात से कुछ खाया पिया है या ऐसे ही बांध कर रखा है इन्होंने? मुझे कुछ नहीं चाहिए बायजमा, मैं ठीक हूँ। एक रात में क्या से क्या हो गया? सब ईश्वर की मर्जी है माँ। तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? कब से इसे ऐसे बांध कर रखा है? सरकार का आदेश है बायजमा, मेरी फिक्र मत करो, घर जाओ। ये क्या कर रही है भाई साहब? सरकार को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। गलत कर रही
सरकार का आदेश है कि इसे कुछ भी ना दिया जाए। सरकार का आदेश अंधे होकर तुम सब मान सकते हो, मैं नहीं। मैं इसे पानी भी पिलाऊंगी और अगर ये मुझसे कह दे कि मुझे भूख लगी है तो खाना भी खिलाऊंगी। जिसमें भी हिम्मत है रुक के दिखाए। भाईजान अक्का, इसने उस लड़की को पत्थर मारा, उसकी जान खतरे में है, फिर भी आप इसका साथ दे रही हैं। मैं कैसे समझाऊं तुम सबको, कैसे विश्वास दिलाऊं अपने विश्वास पे कि मौनी को कुछ नहीं होगा। कैसी है वो? है तो गंभीर। उसके पिता गए हैं सरकार के पास औषधि लेने, लेकिन मैं जानती हूं कि सरकार उसका इलाज नहीं करेंगे। इतनी इंसानियत नहीं है उनमें। अरे मूर्ख, केवल जल दे रहा है, कुछ मिष्ठान बिष्टान दो। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी है वो काम पहले कर रहे हैं। हरिओम। आपका संदेश पुलिस को कल रात को मिला। दरअसल मैं आने वाला ही नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया कि ये खून का मामला है, इसलिए आया। खून किसने किया, किसका हुआ और क्यों किया है, अब जरा मुझे संक्षिप्त में बताइए। खून मोहिनी तो जी। अरे ओहो, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। हुआ ये मैं वो तांत्रिक, उसने पत्थर फेंक के मारा एक कन्या को, जिस भारत में स्त्री को देवी का रूप माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, वहां उस पाखंडी ने पत्थर फेंक के मारा एक कन्या को। शिरडी में एक स्त्री का अपमान मैं कैसे सहन कर सकता हूं, आप ही बताइए शास्त्री जी। और उसने मेरे साथ किया वो पुष्प में अग्नि, क्या अंग्रेज सरकार को ऐसे तंत्र मंत्र का प्रयोग स्वीकार होगा? क्या अंग्रेज सरकार ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले को क्षमा करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अंग्रेज सरकार के लिए इतना अच्छा सोच रहे हो, शिरडी में इतना अच्छा काम कर रहे हो। हरिओम। इसीलिए तो अंग्रेज सरकार आपको 5 अन्य गांव का मुखिया बनाना चाहती है। इतना बड़ा सम्मान अंग्रेज सरकार ने इस क्षेत्र में अभी तक किसी को नहीं दिया। अरे ओ, क्या उस अपराधी के पास चले? बिल्कुल, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। हरिओम, आइए। हरी हो। माई मेरी बच्ची, माई इसका
शास्त्री जी आ गए। स्थान ग्रहण करिए। अप्पा जी, तो ये है आरोपी। आरोपी नहीं, अपराधी कहीं अपराधी। कल सबके सामने इसने कलिसमान कन्या को पत्थर मार के मार डाला। तुम पर आरोप है कि तुमने शिरडी की एक बच्ची को कल रात पत्थर फेंक के मारा। क्या तुम्हें अपराध स्वीकार है? हाँ, मैंने ही पत्थर मारा है उस लड़की को। कैसा आदमी है? पत्थर भी मारा, मार भी कर रहा है। और निशाना चूका नहीं, उसके सिर पर ठीक वहीं लगा है जहां मैं चाहता था। नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। सुन लिया शास्त्री जी? देखिए कुछ है, पछतावा है। अब किसी और से क्या साक्ष लेना शास्त्री जी? इसे तो शिरडी के बीचों बीच घोड़े से बांधकर घसीटना चाहिए। कुलकर्णी जी, मुझे अपना काम करना अच्छी तरह से आता है। इस बच्ची के परिवार में से माता पिता कहां से आएंगे शास्त्री जी? वो तो अपनी पुत्री की अंतक्रिया की तैयारियां कर रहे होंगे। वो बेचारी बोल भी नहीं पाती थी, मानसिक दोष था। ऐसे बच्चे के साथ अगर ऐसा कोई करे तो मेरे नेत्रों से लहू बहने लगेगा, यदि इसे शीघ्र दंड ना दिया गया तो। शास्त्री जी, मेरी बच्ची शास्त्री जी, शास्त्री जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, इसने मेरी बच्ची को। गिरफ्तार करो इसे। कितना सोएगी मेरी बच्ची? जाग मौनी, उठ,
समय हो गया है। जाने हैं धूप और साए, बावराए मनवा तेरा उलझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मुझे वहां कह दे। ये तो चमत्कार हो गया। मेरे बच्चे ठीक ही नहीं हुई, बल्कि बोलने में लगी है, मेरे बच्चे बोलने में लगी है। पांडुरंग मैंने कहा था ना कि साई ने अगर पत्थर भी मारा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आप बिल्कुल ठीक करें भाई जी। साई ने मेरे बच्चे का इलाज कर दिया भाई जैक। सब लोगों ने जैसे आपको गलत समझा वैसे मैंने भी समझा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आपकी कृपा से मेरे बच्चे की याददाश्त वापस आ गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कितना गलत समझ रहे थे साईं को। अल्लाह मालिक। इसे छोड़ दो। करनी जी, आपने हमें संदेश भिजवाया था शिरडी में खून हुआ है, आपको नहीं लगता कि आपने हमें बुलावा भेजने से पहले आपको अपनी ओर से पूरी जांच कर लेनी चाहिए थी? हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य है। आपको शिरडी का जिम्मा इसीलिए दिया गया था कि आप हमारा काम आसान करें। जब आपने उस लड़की का उपचार किया था तब आपको उसकी दशा समझ में नहीं आई? कुलकर्णी, आपने उसका उपचार किया या नहीं?
मैंने ये सोचा कि पुलिस आके कुलकर्णी जी आप इस गांव के एकमात्र वैद्य हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने उस लड़की की जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की। लोगों की जान सबसे महत्वपूर्ण है, आप तो ये बात जानते ही होंगे क्योंकि आपके घर में आपके पूर्वज भी वैद्य थे। उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेदारियां भूल कैसे सकते हैं? आप जानते हैं ना, अगर ये बात जब अंग्रेज सरकार को पता चलेगी तो उन्हें बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? आप एक हाथ से कमाएं, दोनों हाथों से गंवाएं, इसमें आपका ही नुकसान है, भारी नुकसान। मुझे दुख है कि आपको इतनी परेशानी सहनी पड़ी। मैं क्षमा चाहता हूं। कभी मत भूलना कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं, श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक। सुनिए ना, साई के चरणों में फल और मिठाई रखकर आशीर्वाद लेकर आती हूँ, आप चलेंगे ना मेरे साथ? साई के दर्शन करने शाम को जाऊंगा, अभी तो जंगल जाकर कुछ लकड़ियां बटोर लाता हूँ। छिपरी तू आ गई, ये देख मेरे नए कंगन, बहुत अच्छी है। कैसी है बेटा, ठीक है? ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पे तू, चल भाग। माँ ये मेरी दोस्त है, साई से, इसी ने मुझे पहली बार मिलाया था। अच्छा, ये ले बेटा। अरे आप जा रहे हैं? दीदी मैं आपका भोजन लाती हूँ। ये लीजिए। रहो, जाके उस कोने में खड़े रहो। इस स्थिति में क्या करना चाहिए सरकार? ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग उस बैरागी के पैर पकड़ रहे हैं। अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया सरकार, तो आपका राज्य खतरे में पड़ सकता है। सोचिए सरकार, उस मोनी को आपकी दवा नहीं ठीक कर पाई, उस तांत्रिक के एक पत्थर मारने से वो ठीक हो गई। जो आदमी पत्थर मार के लोगों का इलाज कर सकता है, तो वो जब दवा देने पे आएगा तब क्या होगा? जी, लोग तो बड़े भुड़क्कड़ होते हैं और अंधविश्वासी भी, कब किसको भगवान मान ले, किसको शैतान, कहा नहीं जा सकता। ओम सरकार, ये अंग्रेज सरकार ने आपको शिरडी का कार्य इसलिए सौंपा है क्योंकि सभी लोगों के ऊपर आपकी जबरदस्त पकड़ है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा
कि पूरे शिरडी में आपसे भी प्रभावशाली कोई इंसान आया है तो एक क्षण नहीं लगेगा सरकार उन्हें आपको यहाँ से हटाने में। जिस चमत्कार ने उसे सबकी दृष्टि में महान बना दिया, उसी चमत्कार के आधार पर सरकार उसे शैतान बना देंगे। हरिओम। अरे लक्ष्मी, तुम फिर? लक्ष्मी, मेरा नाम तो झिपरी है ना? होगा, पर मैंने कहा ना, मैं तो तुम्हें लक्ष्मी ही कहूँगा। मोनी के घर गई थी, उसकी माँ बहुत खुश है, मुझे लड्डू भी दिया, मैं आपके लिए लाई। तुमने खाया? नहीं, झूठा नहीं है ये मेरा। मेरे पूछने का ये मतलब नहीं था। मैंने पूछा कि तुम पूरा का पूरा लड्डू मुझे दे रही हो, तुम्हें लड्डू अच्छा नहीं लगता। आपने मोनी को ठीक कर दिया ना, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद कहने के लिए। जो अपना है उसे औरों में बांटना, अगर इतना ही बचपना हम सब सयानों में भी आ जाए तो दुनिया की आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हमेशा कहती है कि मोनी को सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो क्या आप भगवान हैं? भगवान? हम सब भगवान हैं। और इसीलिए तो मैं तुम्हें लक्ष्मी कहता हूँ। लेकिन मेरा नाम तो झिपरी है ना। अंता जी, वो अभी तक दिख क्यों नहीं रहा है? वो देखो, वो आ गया। देखो कालिया, सरकार का हुकुम है, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हथियार लाए हो कि नहीं? वहाँ जंगल में इस्तेमाल करना इसका। वो रहा तुम्हारा निशाना। मेरे लिए इतना कष्ट करने की जरूरत क्या थी? ये सब खाने की चीजें तुम लोगों में बांट दो, मुझे अच्छा लगेगा। आपने सिर्फ मोनी को ही नहीं बचाया है, ईश्वर पर हमारा भरोसा टूटने से भी बचाया है। अगर मैंने तुम्हारा विश्वास टूटने से बचाया है तो अब उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जहां विश्वास है वहां अविश्वास, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं। Yeah.
सांप? ये तो बहुत जहरीला सांप लग रहा है, ये तो बहुत जहरीला सांप लग रहा है। मैं आपको सुबह से देख रही हूँ, आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? कोई आने वाला है? अपने काम से मतलब रखो रुक्मिणी। अरे ओम, अपनी विजय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ मूर्ख स्त्री। बौनी के पिता को ग्रामवासी लेकर आते ही होंगे। सच कहूँ तो हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, और फिर लगा इन दुखों में हम ही अकेले। लेकिन अब यकीन हो गया है, हमारे सुख दुख बांटने वाला कोई आ गया है। अल्लाह मालिक। अरे मोनी के बाप को जहरीले सांप ने डस लिया। पता नहीं कौन सी बुरी दशा चल रही है इसके परिवार की। अरे चलो चलते, पता नहीं बचेगा या नहीं। हाँ चलो चलो चलो। सरकार सरकार, क्या नाटक है साहब? क्यों कोहराम मचाया हुआ है? सरकार इसके प्राण बचा लीजिए, इसे जहरीले सांप ने डसा है और केवल आपके पास ही इस विष को मारने वाली औषधि है। क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया है? सरकार सरकार बचा लीजिए, सरकार बचा लीजिए। अरे रोइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सुहाग की रक्षा केवल सरकार ही कर सकते हैं। वैसे तुम इसे उस तांत्रिक के पास ले जाना चाहती हो तो जा सकती हो। लेकिन तब तक ये जीवित बचेगा भी कि नहीं? सरकार सरकार बचा लीजिए, सरकार कुछ कीजिए, सरकार बचा लीजिए। जहर तो पूरी तरह फैल चुका है, अभी तो कुछ क्षण ही और है। सरकार कुछ कीजिए, सरकार बचा लीजिए, बचा लीजिए सरकार, सरकार बचा लीजिए, बचा लीजिए सरकार, सरकार आप भी इसे बचा सकते हैं, बचा लीजिए सरकार, बचा लीजिए। यो का उपचार तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले इस मूर्ख भावुक जनता को यह तो समझे कि इसके साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है। अगर उसकी बेटी ठीक हुई और आज ये मृत्यु के द्वार पे खड़ा है तो क्यों? ये आरंभ है, क्रम तो और भी आगे बढ़ेगा, देख लेना। उस बैरागी ने अपने काले जादू से मोनी की बोलने की शक्ति तो वापस लाई, लेकिन ऐसे तंत्र मंत्र द्वारा उपचार का ढंग प्रकृति के नियमों से हस्तक्षेप करना था। जब कोई प्रकृति के नियमों को तोड़ता है, किसी न किसी को तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, जो आज ये चुका रहा है।
बरोबर। प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का मूल्य आज उसका पिता चुका रहा है। अब सोचो अगर इसे कुछ हो गया, पेट कौन भरेगा तुम्हारा? आप लोगों को तो मेरे दादा पर विश्वास ही नहीं है। अरे इतने साल मेरे दादा ने शिरडी की सेवा की, लेकिन आप लोगों को एक क्षण नहीं लगा उस पाखंडी को सम्मानित करने में जिसने आपके सरकार पर तंत्र का प्रयोग किया। जाओ उसी के पास जाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सरकार, ऐसी परीक्षा मत लीजिए सरकार, ऐसी परीक्षा मत लीजिए। ठीक है, मैं इसका उपचार करूंगा, लेकिन पहले आप सबको प्रमाण देना पड़ेगा। कैसा प्रमाण है सरकार? कैसा प्रमाण था? प्रमाण ये कि आप सब शिरडी के भविष्य के लिए उतने ही चिंतित हो जितना के मैं। बिल्कुल सरकार, बोलिए क्या करना है। हाँ बोलिए सरकार। उस तांत्रिक को शिरडी से बाहर जाने के लिए आप सब उसे विवश करोगे? ऐसी बुरी शक्तियों का विरोध नहीं करोगे तो भुगतोगे सब। शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ पाप। अल्लाह मालिक। शिरडी एक पवित्र भूमि है, यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। क्या होगा? अरे मूर्ख हो, अभी भी सोच रहे हो? मेरे दादा जैसी पवित्र आत्मा का अनादर करके, उनका अपमान करके क्या महाप्रलय लाना चाहते हो शिरडी में? नहीं नहीं सरकार, अब हम उस बैरागी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। क्यों गांव वासियों? क्या हुआ तुम्हें? मौन क्यों हुआ सब? क्या तुम्हें सरकार की बातों पर संदेह है? बोलो बोलो। नहीं सरकार, नहीं सर, नहीं सरकार, नहीं सरकार। अरियो, मैं करूंगा इसका उपचार, मैं करूंगा। अंदर लेके आओ उसे। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है इधर। चलो यहां से, चलो
तुम्हें इसका इलाज करवाना है कि नहीं? करवाना है ना? करवाना है। चलो। हरिओम हरिओम। अब इसका क्या करे सरकार? हरिओम, करना क्या है सरकार? ये मर मरा गया तो ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते जिस सांप ने इसको डसा है उसका विष तो पहले से निकाल दिया था अपने कालिया ने। तो इसके मुंह से झाग कैसे निकल रहा है? सांप के दांतों में एक विशेष जड़ी बूटी लगाई थी कालिया ने, जिससे विष का केवल भ्रम होता है, असलियत में ये तो केवल सो रहा है। धन्य है सरकार आप, क्या योजना बनाई है आपने? योजना नहीं बनाऊंगा तो बैरागी मेरे लिए समस्या बन सकता है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए उस बैरागी का वर्तमान धूमिल करना ही था मुझे। हरिओम, शास्त्री जी ने सबके सामने मुझे दोषी बनाकर उसे एक क्षमा कर दिया। अपनी छवि की रक्षा तो अपने शरीर से भी अधिक करनी पड़ती है, इसलिए मैंने ये चाल चली है। सांप ने डसा तो इसको है, लेकिन विष लोगों के मन में मैंने उस बैरागी के प्रति भर दिया है। अब देखते जाओ वो अपमानित होके कैसे भागता है शिरडी से, फिर लौटने का नाम नहीं लेगा। हरिओम। सुनो सुनो सुनो, आज शिरडी में बहुत बड़ी घोषणा की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने मोनी के पिता को मौत के मुंह से निकाल लिया है और सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। अगर किसी ने भी उसे भिक्षा दी तो उसे सरकार के आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे। अल्लाह मालिक। भिक्षा दो। दो माई, अल्लाह मालिक। माई भिक्षा दो। सरकार का आदेश है, इन्हें जो भिक्षा देगा उसे सजा मिलेगी। चलिए। अल्लाह रहम करे।
अरे 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 अरे, क्या हो गया है शिरडी के लोगों को? कोई भी तुझे भिक्षा नहीं दे रहा? मुझे तो बड़ी दया आ रही तुझ पर। तुझे भूख भी लगी होगी, है ना? मैंने तुम्हारे लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन रखा है। प्रेम और श्रद्धा से मुझे जो कुछ भी दोगे मैं जरूर ले लूंगा। पौष्टिकता से भरपूर मिट्टी प्रेम और श्रद्धा से दे रहा हूं तुम्हें, लो ना, ग्रहण करो इसे। आपकी इस चाल का तो कुछ असर ही नहीं गिरा पंता जी। A for apple, B for bat, A for apple, B for bat, A for apple, B for bat. वाह 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 केशवा, अति उत्तम। बेचारा बैरागी, आज उसे पता चल रहा होगा कि शिरडी में सरकार को अप्रसन्न रखना कठिन ही नहीं असंभव भी है। हरिओम। लोग अपने अपने द्वार से दुत्कारते रहे होंगे उसे। हरिओम। ये एप्पल क्या होता है पिताजी, और ये बैट बैट का अर्थ क्या होता है? बड़ा अर्थ पूछने चला है, पहले शब्द तो सीख। पर ये भाषा सरल नहीं है। लेकिन भविष्य को सरल करने वाली यही भाषा है, समझ ले केशव। ये अंग्रेज भारत छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। किसी में इतना बल है ही नहीं कि उनको यहां से ढकेल दे। जिसने उनकी भाषा में पंडिताई प्राप्त की है वही उनके साथ राज करेगा। राज, शास्त्री जी को देखा कि नहीं, कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में गेट पेट, तभी तो उनको इतना महत्व और इतना ऊंचा पद मिला है अंग्रेजों द्वारा। पर मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है, मराठी अच्छी लगती है, और संस्कृत भी अच्छी लगती है, और अंग्रेज हमारी भाषा क्यों नहीं सीख सकते? हरिओम। अब तू निर्धारित करेगा अंग्रेज कौन सी भाषा बोलेंगे? कभी कभी लगता है तेरी बुद्धि भी तेरी माँ की तरह ही है, गोबर।
इधर आ, इधर आ। समझता क्यों नहीं है केशव? आने वाले कल में जिसके पास इस भाषा का ज्ञान नहीं होगा वो भूखा मरेगा, नहीं तो भीख मांगेगा लोगों के द्वार पर जाकर, और लोग धक्के मार के उसे निकाल देंगे। तब तुम्हें पता चलेगा धक्के खाना क्या होता है। लेकिन माँ कहते हैं कि दान करना पुण्य का काम है, तो लोग धक्के क्यों मारेंगे? और क्या कहती है तुम्हारी माँ? अपने घर अगर कोई आए जिसके पास खाने उड़ने के लिए कुछ ना हो तो उसको ना नहीं कहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है। माँ कहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। दादा! तुम्हारी बीवी मुझे ताने मारती रहती है जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। देखो इतने छोटे से बच्चे को भी पटकी पढ़ा कर रखी है। मैं पागल नहीं हूँ, सब समझ में आता है मुझे। हरिओम हरिओम, चू चू चू। किसकी बातों को महत्व देने लगी? कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें, ये घर मेरा है तो तुम्हारा भी है। माई, भिक्षा दे माई। खाना लाई हूं तुम्हारे लिए। पर मैंने तो कहा था मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ कहते हो ना, मानते भी हो ना, फिर माँ के होते हुए संतान को भिक्षा मांगनी पड़ जाए, ये बहुत शर्म की बात है। तुम्हारा बेटा हूँ लेकिन बैरागी भी तो हूँ ना माँ, और बैरागी का तो धर्म होता है भिक्षा मांगना, फिर धर्म का पालन करने में शर्म कैसी है? हाँ भाई, मिट्टी खाने में कैसी शर्म। इस मिट्टी से उपजने वाली चीजों में जब इतना स्वाद होता है तो फिर ये मिट्टी खुद कितनी स्वादिष्ट होगी, ये सोचो। सन्यासी वही कहलाता है जो भिक्षा मांग कर खाता है, और उसे जो कुछ भी मिले उसे उसी आदर के साथ ग्रहण करता है। बैरागी के लिए पूरन पोली क्या और पत्थर क्या? पंता जी, हमें तो पता ही नहीं था कि इसे मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी देर कहाँ हुई है। अरे ओ बैरागी, इन पर ध्यान मत दो, भिक्षा मांग लेना तुमने। चलो अब चुपचाप मेरी भाकरी खाओ। चलो बैठो बैठो, कुछ नहीं सुनना है मुझे। कुछ देने के लिए बड़े हुए हाथ अगर वापस लोगी बाईजामा,
तो मैं तुमसे फिर कभी कुछ नहीं ले पाऊंगा। स्वादिष्ट है भाई जमा। पंता जी, ये बैरागी तो कुछ अलग ही लग रहा है। ये अगर यहां से नहीं गया ना तो सरकार हमें मिट्टी जरूर चटा देंगे। देख क्या रहा है, मार उसे। अरे कैसे जाने दूँ आ? ये देवा, ये कितना खून बह रहा है? ये पानी पियो। मारा ना? नहीं, क्या मैं वो कर रहे हो? अब मैं शास्त्री जी से शिकायत मैं वो कर रहे हो? अब मैं शास्त्री जी से शिकायत करूं? बोलूं पुलिस को कि तुमने एक निर्दोष आदमी को पत्थर मार कर लहूलुहान कर दिया है? जानते हो ना क्या दंड मिलेगा? हाँ शिरडी में आजकल पत्थर मारने पे दंड कहाँ मिलता है किसी को? क्यों अंता जी? हाँ पंता जी, लेकिन सरकार का आदेश ना मानने पर सजा जरूर मिलती है। तुम सजा दोगे? हाँ क्या करोगे?
पत्थर मारोगे? मारो पत्थर। अरे खड़े क्या हो कायरो, मारो पत्थर। जाने दो उन्हें, उनकी गलती नहीं है। उन्हें पता होता कि ये क्या कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं करते। सुना तुम लोगों ने, जिसे तुमने पत्थर मारा उसने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। तुम सबसे पहली और आखिरी बार कहती हूं, तुम सब अगर साई को भिक्षा नहीं देना चाहते हो तो मत दो। लेकिन अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओम, तुम कभी नहीं सुधरोगे चू। अंदर जाके बोल, आज घर में मिष्ठान्न बनेगा। कोई मेहमान आने वाला है क्या दादा? दादा दादा, वैसे कितने लोगों का खाना बनवाना है? बनाओ, 50-60 लोगों का। अरे ओम दादा, 50-60 अब कौन? आप लोगों को तो पता ही होगा। वैसे कौन कौन आ रहा है? कुछ खास बात है क्या? मोटे आप तो सिर्फ बढ़िया सा खाना बनाइए, उसके बाद में मजा देखिए। कैसी है अब तुम्हारी दोस्त? आपको क्या हुआ ये? किसने मारा आपको? कर्म का फल है और इससे कोई बरी नहीं हो सकता। पत्थर मारोगे तो पत्थर खाना भी पड़ेगा। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो उन्हें है जिन्होंने वो पत्थर मारा है, और मैं तो प्यार सिखाने आया हूँ। जहाँ प्यार होता है वहाँ डर कहाँ होता है? दादा ने 50 लोगों का खाना बनवाया और बुलाया सिर्फ अप्पा को? आखिर क्या चाल चल रही है दादा? किसी जरूरी काम से बुलाया मुझे? अरे ओ अब ऐसे मिलने जुलने के लिए समय कहाँ मिलता है अप्पा जी? और आप तो जानते हैं पूरे शिरडी का उत्तरदायित्व है हम पर। आप भी बड़े व्यस्त रहते हैं गांव में, अन्नदान का काम जो करते हो आप पति पत्नी। और अन्नदान तो पुण्य का काम होता है। गांव की रक्षा करना, गांव का कार्यभार संभालना, यह भी पुण्य का ही काम होता है अप्पा जी।
क्योंकि अंग्रेज सरकार के हर प्रश्न का उत्तर जो देना पड़ता है हमें, लेकिन आप ये सब कहां समझेंगे? आप जैसे लोगों से चार हाथ दूर ही रहती है अंग्रेज सरकार। हरि ओम। वैसे मैं आपको बता दूं अप्पा जी, आपके इस अन्नदान के बारे में बड़ी रुचि और जानकारी रखता हूं मैं। मेरी शिरडी में ऐसे पुण्य का काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। वैसे मैं भाई साहब का को भी आमंत्रित करना चाहता था। स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूं मैं। ऐसे पुण्य का काम करने वाले स्त्री का अगर मैं सम्मान कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती मुझे, लेकिन वो संभव ना हुआ। चलिए, उनके भाग का सम्मान आपको दिए देता हूं मैं। लगता है कि अप्पा और इनकी पत्नी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, पर मुझे क्या, जो भी है आज मजा बहुत आने वाला है। तो आरंभ करें अप्पा जी। आप क्या आरंभ करने के लिए कह रहे हैं? भोजन। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वैसे भी मैं घर पर बता के नहीं आया। घर पर खाना बन चुका होगा और सब राह भी देख रहे होंगे। नोम अप्पा जी, आप भोजन को ना कह रहे हैं, अन्न को ना कह रहे हैं। मैंने तो विशेष आपके लिए भोजन बनवाया है। अन्न का अपमान मत कीजिए। मैं थोड़ा सा। अरे देख क्या रहे हो, हाथ धोने के लिए पानी दो, जाओ। आइए अप्पा जी, आइए। ये हरिओम। केवल एक थाल? आज उपवास है मेरा, आप अन्न ग्रहण कर हमें धन्य कीजिए। क्या कर रहे हैं अप्पा जी? भोजन अधूरा छोड़ना तो और भी अपमान है अन्न का। समाप्त कीजिए जितना है थाली में, वरना व्यर्थ जाएगा नाली में। ठीक है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। जितना परोसा गया है उसे खत्म करता हूं। हाँ, पल्लू कैसे फटा? बांध दिया किसी भिखारी के घाव पर? कब समझोगी, कब सीखोगी दुनियादारी? समय बदल गया है बाईजा। ये जो दुनिया है ना, भलाई करने वाले लोगों को मूर्ख बना के लूटती है। ये जो तुम कर रही हो ना, एक ना एक दिन हमारे परिवार को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, समझी?
ये क्या कर रही है? ओहो, क्षमा कीजिए, मुझे तो लगा आपको और चाहिए, पर अब तो परोस दिया है, खा लीजिए। देखिए मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। मगर अभी तो आपने दादा से कहा ना कि थाली में जितना होगा खा लूंगा, है ना? अब्बा जी हट्टे कट्टे हैं, बचा लेंगे। हाँ हाँ, बचा ही लेंगे। आज तो अप्पा अकेले ही फंस गए। आप हमेशा ऐसे ही अकेले रहते आए हैं? इंसान अकेला कब होता है जानती हो? जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मतलब ये कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो हमें अपने सिवा कोई भी नजर नहीं आता। हमारे साथ कितने ही लोग क्यों ना हो, हम अकेले ही होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो भले ही हमारे साथ कोई भी ना हो, हम फिर भी अकेले नहीं होते। और इसीलिए मैं कभी भी अकेला नहीं होता। मैंने आपको उठने के लिए नहीं कहा है अप्पा जी। समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चाहते क्या हैं। आपकी पत्नी और आप अन्नदान को महापुण्य समझते हैं, इतना महत्व देते हैं अन्नदान को कि मेरे आदेशों की अवमानना करने से भी आप लोग नहीं चूकते हो। अवमानना? कैसी अवमानना? बायजात का। उन्होंने उस बैरागी को भोजन कराया, और जब हमने उन्हें सरकार का आदेश याद दिलाया तो उन्होंने हमें ही डांट दिया। यो, यदि आपने ये सारा भोजन समाप्त नहीं किया तो आप साई को शिरडी से बाहर निकालेंगे। अपने साई के लिए आप इतना तो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अब तो अप्पा जी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है।
एक बात पूछू? हाँ पूछो। सब कहते हैं कि आप चमत्कार करते हैं। समय ही कुछ ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसे में अगर कोई किसी की मदद कर दे तो लोगों को चमत्कार ही लगता है। आप मेरे किसी भी बात का सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं देते? मदद तो आप करते ही है। मोनी को आपने ठीक कर दिया, वो भी तो एक चमत्कार था। लोगों को लगता है आपके पास कोई शक्ति है, है क्या? जब किसी दूसरे की तकलीफ से हमें तकलीफ होने लगे और किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने की इच्छा पैदा हो, तब हमारे अंदर ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। खास तौर पर जब किसी निर्दोष और साफ दिल वाले इंसान के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसकी मदद के लिए तो भगवान भी आ जाते हैं। अब मैं ये समझा आपकी चाल। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों ने जो आपको अधिकार दिए है उसके मुताबिक आप साई को बिना किसी के सहमति के यहां से निकाल सकते हैं, पर भी आप ऐसा कर नहीं पा रहे। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य है। और जहां तक रहा मेरा सवाल, तो मैं आपको ऐसा कोई बहाना नहीं दूंगा जिससे कि मेरे साई मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए आज मैं भोजन करूंगा और करता ही रहूंगा। आप अड़े रहिए अपनी जिद पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा, जैसा मुझे मेरे साई पर है। ऐसा क्या है साई में जो आप अपने प्राणों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं? आप पांडुरंगा पगरे बाबा था। क्या हुआ, खाना कम पड़ेगा क्या? खाना तो 50 लोगों का बना है, लेकिन खाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। वो भी कितना खाएंगे? तो इतना सारा खाना है, सारा खाना व्यर्थ जाएगा। और अन्न का अपमान समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसका पाप उन्हें ही लगेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। भाई साहब को बुलाना होगा। नर्मदा जाओ, जाकर भाई साहब को बुला के लाओ। जाओ चलो। हाँ
क्या हुआ नर्मदा, क्या बात है? आप बस जल्दी चलिए, वो अप्पा, अप्पा को कुलकर्णी सरकार में। ये हिचकी मेरी अचानक कैसे रुक गई? ये कहां से आ गई अब? आप तो स्वयं पधारे, देखिए ना, एक भिखारी की सहायता करने के कारण आपके नाथ, आपके स्वामी कितने बड़े संकट में हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए उठिए, आपके उठने से खाने का कोई अपमान नहीं होगा। खाने को अपने अहंकार की पूर्ति का शस्त्र बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ये। जलेबी खाओगे? क्या बिगाड़ा है हमने या साई ने आपका? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने विकल्प दिया था आपके पति को, या तो खाओ या तो उस भिखारी को निकालो। लेकिन देखिए ना, आपके पति को भोजन भी प्रिय है और वो भिखारी भी, उसमें मैं क्या कर सकता? आप तो बड़ी समझदार हो, आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहां से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अप्पा जी खाते खाते हरि ओम हो जाए। आप तो बड़ी समझदार हो, आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहां से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि अप्पा जी खाते खाते हरि ओम हो जाए।
दियो। अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या आप मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हो? चमत्कार हमारी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं बन सकता लक्ष्मी, और ना ही ये किसी के सामने हमें खुद को साबित करने का माध्यम बन सकता है। चमत्कार की शक्तियां तो दूसरों की मदद करने के लिए होती हैं। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज तुम जलेबी खाना चाहती हो। लेकिन आप कैसे जान गए कि मुझे जलेबियां खानी है? और कोई है जिसके पास आज बहुत जलेबियां हैं? और अगर वो इतनी सारी मिठाइयां, इतनी सारी जलेबी अकेले खाएगा तो उसे नुकसान पहुंच सकता है, और इस स्थिति में तुम उस भद्र पुरुष की मदद कर सकती हो। तो बोलो, तैयार हो? मैं तैयार हूँ। तो फिर बहुत सारी मिठाइयाँ खानी पड़ेंगी। इससे अच्छी क्या बात होगी? जलेबी, इतनी गरम है, करारी भी, कहाँ से आई? यहीं, शिरडी से। शिरडी से? लेकिन शिरडी के किसी भी दुकान में मैंने ऐसी जलेबी देखी ही नहीं है। बायजा माँ, अब तुम ही बताओ, शिरडी में इस समय ये जलेबियाँ कहाँ मिल रही हैं? इसका मतलब कि साई ना सिर्फ मेरा दुख जानता है बल्कि अप्पा जी की सहायता भी कर रहा है। बड़ी स्वादिष्ट है। अभी तो बहुत सारी मिठाइयां खानी है तुम्हें। सच? अब लड्डू खाओ। लड्डू? लड्डू तो मोनी को भी बहुत पसंद है। अरे तुम सोच क्या रही हो, बुलाओ मोनी को भी, और हाँ उसके सारे दोस्तों को भी बुलाओ, बहुत मिठाई खानी है। जाओ जल्दी जाओ। मैं जो भी खा रहा हूँ मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे वो मेरे पेट में न जाकर कहीं और जा रहा है?
कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। देख क्या रहे हो? परोसो और परोसो। पूरा परोस दो। परोसने में संकोच क्यों? परोसिए, अभी तो मैं और खाऊंगा। समाप्त हुआ? कोई बात नहीं, मुझे घर जाकर भी भोजन करना है। दादा, ये आदमी है कि दानव? 50 लोगों का खाना खाकर कह रहा है और भी खाएगा, भूखा कहीं का। चलता हूं। आज जाने दे रहा हूं अप्पा जी, अगली बार क्षमा नहीं करूंगा, समझ गए ना? लड्डू ये लक्ष्मी खाएगी। बस बस, अब पेट फट जाएगा। अरे तो फिर ये आखिरी है? चलो चलो। अरे कोई बात नहीं भाई, जय श्री राम जी की इच्छा। घर जाओ भाई जामा, सब अच्छा है।
पायजामा, फिर वही मैंने आपको समझाया था ना, अल्लाह माने। सरकार के नए बनाए हुए नियमों ने मेरे हाथ बांध के रखे हैं, वरना कब का उस बैरागी को शिरडी से बाहर निकाल कर फेंक देता हूं। घर की सत्ता में अपनी पकड़ बनाने का ये मौका कैसे चूक सकती है ये चूताई। दादा दादा बोल। दादा आपको परेशान देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतना कह सकती हूँ जो कुछ हुआ है ना उसमें बिल्कुल भी आपकी गलती नहीं है। गलती तो खाना बनाने वाली की है। आपने 50 आदमी का खाना बनाने के लिए कहा था, पर मुझे नहीं लगता है 10 आदमियों से ज्यादा का खाना बना हुआ था। और कम खाना बनने की वजह से तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। नन्हे नन्हे हाथों से और कितना काम करोगी। आपने इतना कुछ खिला दिया, पहले उसे हजम तो कर लो। सुना, तुम्हारी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। आई कहाँ थी तू? कब से ढूंढ रही हूँ तुझे, मोनी नहीं बताती मुझे, तो पता नहीं चलता तू यहाँ है। चल घर चल, सुबह घर से कुछ खा के भी नहीं निकली थी तू। आई, साईं ने मुझे बड़े प्यार से इतने अच्छे अच्छे पकवान खिलाए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। खाना वाना गिर गया था ना, वही साफ कर रही थी। साई का घर ऐसा गंदा थोड़ी ना छोड़कर जा सकती हो। इनसे पहले कभी नहीं मिली हो ना तुम, मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। आए, चल तू घर चल, बहुत देर हो गई है। आई, लेकिन सास सफाई में पहले साई की मदद तो कर लो। नहीं, तुम चलो यहाँ से। आए, मुझे साई की मदद करनी है। लक्ष्मी, सब कर तो दिया है तुमने, सब अच्छा तो है, देखो तुम पर अन्नपूर्णा की कृपा हमेशा बनी रहे। और दूसरों की मदद करने का ये जो जज्बा है ना, इसे कभी मत खोना। मदद कैसी, आपने तो मुझे साफ सफाई पूरी करने ही नहीं दी। तुम्हारी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा मदद कर चुकी हो तुम मेरी। और तुम्हारी ही तरह अगर दुनिया का हर इंसान सबकी मदद करने लगे तो ये दुनिया बहुत बेहतर बन सकती है। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है किसी की मदद करने के लिए। मेरी प्यारी गुड़िया, मदद करने की सबसे पहली सीढ़ी है नियत। नियत? नियत रखो, क्षमता अपने आप आ जाएगी। अंधेरे को चीरने के लिए किसी पहाड़ को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा दिया जलाओ, अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा, उसकी रोशनी सब तरफ फैल जाएगी। पता
पता नहीं दिन भर कहाँ कहाँ घूमती रहती है, किस किस से बात करती है। अपने आप से क्या बातें कर रही हो आई? साई से मिलकर अच्छा लगा ना। उन्होंने मोनी को ठीक किया है, अच्छे इंसान होंगे। लेकिन जानती है ना, कुलकर्णी सरकार ने आदेश दिया है कि कोई भी उस फकीर की मदद नहीं करेगा। अगर किसी ने कुलकर्णी सरकार को बता दिया तो वैसे भी सब लोग मौका देखते हैं हमें परेशान कर। लेकिन साई तो इतने अच्छे हैं, उनको किसी से क्या बैर? देखा पंता जी, मुझे देख के कैसे घबरा गई माँ बेटी। आपकी सूरत ही ऐसी है कि कोई भी घबरा जाए। चलिए सवाल कीजिए। सवाल? कैसा सवाल? नहीं पता तो चलिए पीछे आइए। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? साई के पास से। क्या कर रहे थे वहाँ? जलेबी खा रहे थे। जलेबी? उस बैरागी के पास कहाँ से आ गई? कितनी बनी थी जलेबी? 40-50। 40-50? इतनी सारी जलेबी अप्पा पाटिल कैसे खा गया? 5 मैंने खाए और बाकी दोस्तों ने। लेकिन जलेबी तो आज सरकार के घर पे भी बनी थी ना? सिर्फ जलेबी खाई या कुछ और भी? माफ करना, हमें देर हो रही है, बच्ची कुछ भी बड़बड़ाती है। पीछे। मेरे सवाल का जवाब ना देना मतलब सरकार के सवाल का जवाब ना देना है। उत्तर दो, सिर्फ जलेबी खिलाई या और पकवान भी खिलाए तो उस भिखारी ने? भिखारी नहीं है वो, उन्होंने हमें जलेबी ही नहीं भजिया भी खिलाई और लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट था। भजिया और वड़ी कितने लोगों के लिए बनाई गई थी? 50 लोगों के हिसाब से बनाई थी। 50 लोगों का खाना अप्पा पाटिल अकेला खा गया? असंभव, केवल असंभव। असंभव क्यों? मैंने कहा ना, साई के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, वो हर असंभव को संभव कर देते हैं। बड़ी, लड्डू, भजिया, जलेबी, ये सब अप्पा पाटिल खा गया? ये सब कैसे हुआ कोई बताएगा मुझे? जो तू सही कह रही है, इसने खाना कम बनाया है और अब ये झूठ बोल रही है। अगर अप्पा पाटिल इतना सारा खाना खा लेता तो वो जीवित नहीं बचता। जाते वक्त वो ये भी कह गया कि वो घर जाके और खाना खाएगा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे वो कुबेर के घर पहुंचे गणेश और सारा खाना अकेले ही खा गए। कुबेर का अहंकार जो टूटा था ना,
या तो अप्पा पाटिल गणेश है या फिर हमारे घर पर खाना कम बना है। नहीं नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, अगर 50 लोग भी आ जाते ना तो खाना कम नहीं पड़ता। जरूर कोई कोई और कारण है। क्या और क्या कारण हो सकता है रुक्मिणी, बता। अपने फूल को किसी और पे थोपना चाहती है तू? फूल नहीं, मुझे तो लगता है ये तेरा ही षड्यंत्र है। आप ऐसे कैसे सोच सकते? सोच सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ उस बैरागी के प्रति तेरे मन में बड़ी सहानुभूति है। उस दिन भी मेरे ना कहने पर तूने उसे भिक्षा दी, तेरे ही कारण उसने मेरा अपमान किया। और तूने सोचा होगा कि कहीं अप्पा पाटिल पराजित हो गए तो उस बैरागी को शिरडी से जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इतने अच्छे पति के पराजय की कामना करने वाली स्त्री तो राक्षसों में भी नहीं थी। लेकिन मनुष्यों में है, जू मनुष्यों में है। आप लोग गलत समझ रहे हैं मुझे। तो सही क्या है, अपना पति ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। अप्पा पाटिल ने इतना सारा भोजन कैसे कर लिया? उत्तर दे। उत्तर मैं दूंगा सरकार। क्या उत्तर है? हाँ हाँ, उत्तर दो अंता जी। चलो पीछे हटो। आपके सारे प्रश्न, सारी दुविधाओं का एक ही जवाब है सरकार, वो बैरागी। क्या? हाँ सरकार, वो बैरागी। भोग करने वाले को रोग का भय, कुल में पतन का भय होता है। धनी को राजा का भय और आत्मसम्मान वाले को दीनता और निर्धनता का भय होता है। बलवान को शत्रु का और रूपवान को बुढ़ापे का भय होता है। विद्वान को वाद विवाद का और गुणी को मूर्ख का भय होता है। शरीर को मृत्यु का भय होता है। इस संसार में हर चीज मनुष्य में भय पैदा करती है, बस सिर्फ वैराग्य ही है जो भय से पूर्णतः मुक्त है। बैरागी को नीचे गिराने की जितनी कोशिश कर रहा हूं वो उतना ही मेरे सामने चुनौती बन के खड़ा होता जा रहा है। कोई और उपाय ढूंढना होगा। इस बैरागी पर नजर बनाए रखना। जी सरकार। और सुनो, वो खाने वाली बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। खाने वाली बात? कौन सी खाने वाली बात? हरिओम,
क्या खा लिया था जो इतना दर्द हो रहा है? मैं अभी आती हूँ। अब तू कहाँ चली? इनके लिए औषधि लाने। किससे? साई से। साई से, जिसे पूरा गांव पाखंडी समझता है। आई। उससे मेरे बेटे का इलाज करवाओगी? हाँ। आई। तू गप्पस? तेरे लिए तो आई वेड़ी है ना? और तू, तू उस जादू टोने वाले से औषध मत लाना, समझी ना? इस गांव में एक ही वैद्य है, और वो है कुलकर्णी सरकार। अरे दूर दूर से लोग आते उनके पास से इलाज करवाने के लिए, और तू, तू उस ढोंगी पाखंडी के पास से मेरे बेटे का इलाज करवाना चाहती है? कान खोल के सुन ले, औषधि आएगी तो सिर्फ कुलकर्णी सरकार से, समझी ना? आजा का ये लो, तात्या का नया कुर्ता सिला दिया है। ये अप्पा जी को क्या हुआ? इनके पेट में बहुत दर्द है। काशीराम, सही वक्त पे आए हो। बाईजा के साथ जाओ, औषधि लानी है कुलकर्णी सरकार से। लेकिन आए कुलकर्णी सरकार की वजह से ही तो। आपको कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ। विठला, पूरे दिन में दूसरी बार आप मेरी चौकट पे आई हो भाईजा का। लगता है शिरडी चमत्कारों की भूमि बनती जा रही है। कहिए, सब कुशल मंगल तो है घर में? औषधि लेने आई है। औषधि? इसका मतलब खाने ने अपना असर दिखा दिया। हरिओम। औषधि? घर में कोई अस्वस्थ है क्या? अप्पा जी, अप्पा जी, क्या हो गया अचानक से अप्पा जी को? जब से आपके घर से लौटे हैं तब से उनको। मात्र मेरे घर आने से लोग अस्वस्थ होते हैं, तो अब तक पूरे शिरडी को अस्वस्थ हो जाना चाहिए था भाईजा का। आप भूल रही हैं कि मैं वैद्य हूँ, लोगों के रोग दूर करता हूँ। इतना ही नहीं, पूरे शिरडी को रोग मुक्त रखने का प्रण लिया है मैंने। कल प्रातः समय आइए, औषधि तैयार मिलेगी। ओम। सुबह उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके पेट में बहुत दर्द है, और आप कह रहे हैं कि मैं सुबह हूँ? भाईजा का, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ भाईजा का, और अप्पा जी की भी, लेकिन साथ ही साथ वनस्पतियों की पीड़ा का भी ध्यान रखना पड़ता है मुझे। सूर्यास्त के पश्चात वनस्पतियों को हाथ नहीं लगाता मैं। मेरे निद्रा का समय हो गया है। हरिओम। यदि वो पीड़ा में होते भाई साहब का, अगर आप कहें तो मैं लौट कर जाऊं, कुलकर्णी सरकार से विनती करूं, शायद वो मान जाएं। अप्पा रात भर इतनी तकलीफ में कैसे रहेंगे?
भाई साहब का उधर कहाँ जा रही है, घर तो इस तरफ है। लेकिन साई इस तरफ है। खंडर में बैठ के सोचता है कि पूरी शिरडी बरगला देगा, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। अंता जी, ये दोनों इस समय उधर किधर जा रहे हैं? ये रास्ता तो खंडर की तरफ जाता है, जरूर ये दोनों साई से मिलने जा रहे होंगे। अंता जी, ये बायजा का सरकार के आदेश को कभी मानती ही नहीं है, आज इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। मैं पीट दूं इन दोनों को? उठाओ। ये तो गोबर है। तो क्या हुआ? तो आप क्यों नहीं उठा लेते? मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, पर आप नहीं उठाना चाहते तो ठीक है, मैं तो खुशी खुशी उठा लूंगा। अंता जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये गोबर नहीं इनाम है। समझे, लेकिन देर से जब मैं ये गोबर उठाऊंगा और बायजा का के ऊपर फेंकूंगा तो इनाम किसे मिलेगा? मुझे। मैं उठाता हूँ। नहीं नहीं, मैं उठाऊंगा गोबर। चलो काशीराम, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, हमें चलना चाहिए। देखकर दुखी मत हो, तुम तक पहुंचने के लिए तो मैं मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें यहाँ तक आने की जरूरत ही नहीं थी बायजा माँ। जानती हूँ, लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब इतना खाना खिलाया जाएगा तो तबीयत तो खराब होगी, पर बेफिक्र रहो बायजा माँ, इस संसार में हर कर्म का फल है। अच्छा किया तो अच्छा और बुरा किया तो बुरा, चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, पर कर्म के फल से मुक्त नहीं है। कोई बचना भी चाहे तो कर्म के परिणाम से बच नहीं सकता। अप्पा जी के सिराने बैठकर ज्ञानेश्वरी पढ़ो, उन्हें आराम मिलेगा। तुम समझ नहीं रहे हो साईं, वो पीड़ा में करा रहे हैं, बहुत दर्द है उन्हें, और तुम कह रहे हो कि मैं उनके सिरहाने बैठकर केवल ज्ञानेश्वरी पढ़ू? मुझ पर विश्वास है ना बायजा मां? आस्था किसी सबूत की मोहताज नहीं होती, ये मैंने सुना था,
लेकिन आज खुद महसूस करके देख रहा हूं। लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ये अंधविश्वास है, जहां दवा की जरूरत है वहां दुआ का सुझाव दे रहे हैं आप। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये अंधविश्वास है तो हो, मैं भी विश्वास करके देखना चाहता हूं, जैसे बायजाक ने किया है। अल्लाह मालिक। औषधि कहाँ है? आई वो कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते, इसलिए औषधि तो कल ही मिलेगी। कल? तो क्या मेरा बेटा इतनी तकलीफ में रात बिताएगा? हाँ, कुछ नहीं होगा उन्हें। आई रुक, ये तेरी साड़ी पे गोबर कहां से लगा? आई वो रास्ते में वाह काय करू। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो जी आद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसं वेद्या आत्मरूपा देवातुचि गणेशु सकलात्मति प्रकाशु भणे निवृत्ति दासु अवधारिजो जी। जब जीवन में मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जला, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। आपको ठीक तो लग रहा है ना? साई कृपा। मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। पता नहीं तुम पर इतना विश्वास, इतनी आस्था क्यों है मुझे। लेकिन मुझे मां कहा, पत्थर मारा तो मौनी का रोग दूर कर दिया, ज्ञानेश्वरी पढ़ने का मार्ग दिखाकर अप्पा जी का कष्ट दूर किया, ना ही तुम्हारी बात ईश्वर तक पहुंचती है। सबके रोग दूर करने आए हो तुम, शिरडी के लिए आशीर्वाद बनकर आए हो तुम। अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कुलकर्णी सरकार ने कहा कि सूर्यास्त के बाद वो वनस्पति नहीं तोड़ सकते। बायजा का बढ़िया आए थे मुझसे औषधि लेने। कुलकर्णी सरकार मूर्ख नहीं है जो औषधि देकर अप्पा के कष्ट कम कर दे। हरिओम हरिओम। कुलकर्णी सरकार ने दवा नहीं दी, अब मैं अपने बच्चे को ऐसे वैद्य की जरूरत है जो सबका इलाज करे बिना पक्षपात के। लेकिन अभी अप्पा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। कल प्रातः समय आई है औषधि तैयार मिलेगी। मैं अपने बच्चे को लेकर कहां जाऊं? को ऐसे वैद्य की जरूरत है
जो सबका इलाज करे की तबियत बिना पक्षपात के औषधि तो कल ही मिलेगी। दर्द की दवा हो तो उम्मीद तो होती है, लेकिन जब दवा होते हुए भी उम्मीद ना हो तो तकलीफ कितनी गहरी होती है ये शिरडी के लोग ही समझ सकते हैं। शत्रु मित्र धनी निर्धन धर्म जाति कुल, इन्हें इलाज करने या ना करने के लिए आधार कैसे माना जा सकता है? और खास तौर पर तब जब शासक ही स्वयं वैद्य हो, तो क्या शासक की यह जिम्मेदारी नहीं कि उसकी प्रजा रोग मुक्त रहे? फिर शर्त कैसी? अहंकार क्यों? शिरडी के लोगों को दवा मिलेगी और जरूर मिलेगी। साई, साई। साई कहाँ चले गए होंगे? झोला भी नहीं है उनका। गांव में जाके देखती हूँ। आपने साई को देखा क्या? साई? वो तो खंडर में रहता है ना। वहां से तो आई हूँ मैं अभी। तो फिर मुझे नहीं पता। आपने साई को देखा है? दूर हटो, दूर हटो। साई को अभी जंगल की तरफ जा रहा था अपने झोला बोला लेके। क्यों, क्या हुआ? जंगल क्यों? साई, 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 कहाँ है साई? है नहीं, वो बुला रही है उसे। चलो उसके पीछे चल के देखते तो है हुआ क्या है आखिर। हाँ हाँ चलो। हाँ। अरे अंता जी। अरे हाँ पंता जी। बस अभी और नहीं भागा जाता उसके पीछे। अब उसके पीछे भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अंता जी। गया वो भिखारी शिरडी छोड़ के, और अब ये शुभ समाचार सरकार को देना होगा। सरकार तो बहुत खुश होंगे हम पर। चलो सरकार को बता दें। हरिओम। अंततः उसे शिरडी से पलायन करना ही पड़ा। एक प्रकार से तो ये शुभ समाचार है, लेकिन साथ ही में चिंता का विषय भी। अब किसकी चिंता सरकार? कैसी चिंता सरकार? कई बार व्यक्ति की उपस्थिति से अधिक उसकी अनुपस्थिति उस व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। इसलिए इससे पहले कि लोगों को उस भगोड़े का सत्य पता चल जाए, हमें लोगों का ध्यान किसी दूसरी दिशा में भटकाना चाहिए। वो कैसे? मनुष्य प्राणी बड़ा स्वार्थी होता है। उसके सामने अगर समस्या हो और उससे उसका व्यक्तिगत हित अहित बाधित हो रहा हो, तो वो
दूसरों के हित अहित के बारे में नहीं सोचता है। और वैसे भी स्मृतियों की आयु बहुत छोटी होती है कि नहीं? समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। पूरे गांव को चावड़ी पे बुला लो, एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है मुझे। अरे ओ मैंने सुना है हमेशा के लिए चले गए हैं साईं। हाँ कह तो रहे हैं लोग। कोई खास घोषणा होने वाली, तभी सरकार आए हैं। हरिओम। चतुर्मास का आरंभ होने वाला है और जैसे हर वर्ष होता आया है वैसे इस वर्ष भी महापूजा का आयोजन होगा। कल का दिन सुबह मुनिम जी चंदा इकट्ठा करना है। महापूजा इस समय? वो तो बाद के महीने में होती है ना। ये सच कह रहे हैं? विलंब नहीं करना है सरकार। हर साल जब किसान अपनी फसल बाजार में बेच के आता है उसके बाद ही चंदा दे पाता है पूजा के लिए, लेकिन इस बार तो फसल कटी भी नहीं है, ये बेचारे लोग चंदा कैसे दे पाएंगे? आप अपनी बात कीजिए महालसपति जी, लोगों से बात करने के लिए हम है ना। सरकार आप सबकी तकलीफों से परिचित है और इसलिए उन्होंने इसका समाधान ढूंढ लिया है। जो चंदा नहीं देगा उसे अपनी जमीन देनी होगी। कल तक का समय है आप सबके पास। कल तक? आप सब लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं खुद के लिए मांग रहा हूं चंदा। चतुर्मास आ रहा है और केवल आपसे नहीं इस गांव में रहने वाले हर व्यक्ति से लिया जाएगा चंदा बिना पक्षपात के। और इस बार का सबसे बड़ा चंदा तो मैं खुद लेने जाऊंगा। अरे ओ आई ए, रुक, कहाँ घुसी आ रही है? मैं तो वो मैंने बुलाया था उसे आई उपलो के लिए। झिपरी ये टोकरी वहां रख दो कोने में। सुन इसे रोक कर रखा, मैं अभी आती हूँ। जिपरी आई आ रही है। ये ले, ये लो। लड्डू खाओ। लड्डू? क्या हुआ? साई की याद आ गई। कल आपने देखा ना कितनी मिठाइयां खिलाई थी। मुझे क्या पता कि मैं इसके बाद उनसे कभी नहीं मिलूंगी। क्यों? क्यों नहीं मिलोगी तुम साईं से? क्योंकि वो सीढ़ी चढ़कर चले गए। साईं सीढ़ी छोड़कर? नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद देखा उनको जाते हुए। परेशान हो गए थे, उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे फिर से कहूंगी चमत्कार दिखाने के लिए, इसलिए चले गए। तुम्हें पूरा विश्वास है कि साईं? हाँ, ए भाईजा, तू कहाँ जा रही है? चल अंदर। मुझे जाने दीजिए आई, वो मेरा साईं, मुझे उसे रोकना होगा आई। अच्छा हुआ, बला टली शिरडी से भी और हमारे घर से भी। आप कहिए ना आई से मुझे जाने दे, साई रक्षक है हमारा, शिरडी का रक्षक है वो। कल शाम को जो भी कुलकर्णी सरकार के यहाँ आपको जबरदस्ती परोसा गया, खाने के लिए मजबूर किया गया, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि वो सब आपके पेट में नहीं जा रहा है? साई की कृपा थी वो। कुलकर्णी सरकार आपको सबक सिखाना चाहते थे क्योंकि मैंने साई को खाना खिलाया था, लेकिन साई ने उनके षड्यंत्र को विफल कर दिया। आपकी रात की तकलीफ भी साईं की कृपा से ही दूर हुई थी, नहीं तो कुलकर्णी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपसे बदला लेने में। सृष्टि के पालनहार, आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी गोद में पल रही ये सभी जड़ी बूटियां, मुझे इनकी आवश्यकता है। तो ये सब साईं की वजह से हुआ है? अब तो आपको विश्वास हो गया ना साईं पर? विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि अगर तेरा साईं नहीं होता तो ये नौबत ही नहीं आती थी। तेरे साईं ने कोई उपचार नहीं किया, बल्कि उसने तो और कष्ट दिया मेरे बेटे को। तू तो अंधी हो गई। अंधी आई ऐसे नहीं है साईं तो। हाँ हाँ, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा, माँ की नहीं। आई तो बेड़ी है। हाँ? साईं कृपा, साईं की वजह से सब हो रहा है। तुम तीनों एकजुट भी हो जाना तो भी मेरा विचार बदल नहीं सकते। कान खोल के सुन लो एक बात, मैं इस घर की मालकिन हूं। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, और अगर इसके बावजूद भी तुम उस पाखंडी को मिलने गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ए, तू यहां खड़ी तमाशा क्या देख रही है? हाँ, चल जा अपने घर जा। हाय, मुझे सिर्फ एक बार साई को रोकने दीजिए, सिर्फ एक बार। इधर उस पाखंडी को मिलने के लिए घर से एक कदम भी निकाला तो तुझे तात्या की सौगंध है।
तात्या की सौगंध दे दी आपने मुझे, एक बेटे की सौगंध देकर आप मुझसे मेरा दूसरा बेटा छीनना चाहती हैं? हाँ, ताकि तेरी मूर्खता से मुझसे मेरा बेटा ना छीन जाए। ए, तू क्यों खड़ी अभी तक? जा अपने घर पे, और दोबारा ऐसी खबरें लेकर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जा यहां से। ओम। कल आप हमारे द्वार पर थे और आज हम आपके द्वार पर चले आए हैं। शिरडी में स्वच्छता अभियान का समय आ गया है और इसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है अप्पा जी। विश्वास है कि आप निराश नहीं करेंगे हमें। इस समय तुम्हारी आवाज में गुस्से से कहीं ज्यादा पीड़ा है, एक माँ की पीड़ा। और एक माँ की पीड़ा मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। चिंता मत करो। साई, साई, आइए। शिरडी में स्वच्छता अभियान का आरंभ हुआ है, आप सबका साथ चाहिए। आपका साथ होगा तभी तो शिरडी का उद्धार होगा। शिरडी की भलाई के लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा समर्पित है। कहने वाले करते नहीं और करने वाले कहते नहीं अप्पा जी। शिरडी के भलाई के बारे में सोचते तो आप घर पर नहीं चावड़ी पे होते, पूरा गांव आया था। केवल आपका परिवार नहीं था। हरिओम। आना चाहता था पर शायद आपको पता नहीं है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हरिओम। शिरडी का वैद्य किसी के पीड़ा से अनजान। आपकी बहू ने कल आने में बहुत देर कर दी। लेकिन कुलकर्णी सरकार का वचन, स्वयं लेके आ गया औषधि, दीजिए। कल प्रातः यज्ञ का भव्य आयोजन किया है। यज्ञ अचानक? लेकिन उसके लिए तो मौशी, मौशी, मौशी। गांव का शुद्धिकरण है, उसके लिए शुभ दिन की प्रतीक्षा क्यों है कि नहीं? शिरडी के कल्याण के लिए जो यज्ञ का आयोजन किया है उसके लिए महाप्रसाद बनेगा। और महाप्रसाद के लिए गेहूं,
चावल, घी, गुड़, तेल, ये सब गांव के पाटिल से ही प्राप्त होगा। इसीलिए आपके पास चला आया। पर पूजा तो पूरे गांव के लिए हो रही है, तो सामग्री सिर्फ हमारे घर से क्यों? मौशी, अब आप पूछेंगी शुद्ध पूजा क्यों है? क्योंकि गांव में अशुद्धि हुई है। अशुद्धि किसने की? और जिसने अशुद्धि की वही भरपाई करेगा, है कि नहीं? वो ढोंगी फकीर आया था ना गांव में, बड़ी कठिनाई से उसे भगा पाया मैं। जब से गांव में आया तब से कुछ ना कुछ अपशकुन कर रहा था। तंत्र मंत्र की भूमि नहीं है। अप्पा जी, कहीं मैं कुछ अनुचित तो नहीं कह गए? यज्ञ के लिए आपको सामग्री भिजवा दूंगा। अरे आप कष्ट क्यों उठा रहे हो अप्पा जी, हम है ना। अनुमति दीजिए। अरे दे दी अनुमति, मुंह क्या देख रहे हो मेरा, अप्पा जी मना थोड़ी ना करेंगे। चलो चलो उठाओ सामान, चलो चलो। अरे अरे कहाँ कहाँ घर में घुसे चले जा रहे हो? अरे रुको, क्या कर रहे, रुक जाइए। अरे रुको, रुको ना भैया। कुछ मेवा बादाम भी मिल जाए तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। अरे जरूर रखा होगा, रसोई घर में देखते हैं। कहा था ना अन्नपूर्णा का अपमान मत कर, देख लिया ना नतीजा, इतनी मेहनत से कमाया हुआ अनाज कैसे बाहर जा रहा है, भर भर के लेके जा रहे हैं। आई तो पागल है, ऐसे फड़फड़ाती रहती है। एक ही करनी, सबको भरनी। सरकार मिल गया। कल घर में भोजन मत बनाइएगा। यज्ञ में महाप्रसाद का आयोजन किया है, कर्म भोज होगा, बड़ा आनंद आएगा। हरिओम। सामान ले गए इसलिए रो रहे हैं? नहीं, गांव में कोई भी पूजा हो तुम्हारी आई बहुत कुछ भेजती है खुशी खुशी। तुम्हारी आई इसलिए रो रही है क्योंकि इनका साई फिर से शिरडी छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे बिना मिले। लेकिन साई ने तो वचन दिया था कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वचन दिया था उसने मुझे, मैं भूल कैसे गई? सुना आपने क्या कहा इसने? साई ने वचन दिया था मुझे, कहा था मुझसे कि वो शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाएगा।
कई बार बच्चे अपनी मासूमियत में वो सच्चाई कह देते हैं जो हम बड़े नहीं देख पाते हैं। दिया था उसने मुझे बच्चा, दिया था उसने मुझे बच्चा। जिस वजह से तुम दुखी हो बायजामा, उसे मैं अपने लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी ममता जानकर तुम्हें प्रणाम करता हूं। तुम्हारी इस ममता के लिए लोग हमेशा हमेशा तुम्हें मेरी मां के रूप में याद रखेंगे। अवस्रजा वनस्पते देवदेवेभ्यो हवि प्रदातुरस्तु चेतनम्। 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 मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए साईं। मैं जानता था कि आप यहां आएंगे, आपके चरणों का स्पर्श पाकर अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मुझे आदेश करिए, मैं किस प्रकार आपकी सेवा करके धन्य हो सकता हूँ। शिरडी और उसके आसपास के लोगों की पीड़ा, उनके दुखों, उनके रोगों को दूर करने के लिए आपकी इन वनस्पतियों की आवश्यकता है। मेरे पास जो कुछ भी है उसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूं साईं। और सच तो यही है कि आपके माध्यम से संसार के प्राणियों की सेवा करने में मुझे अनंत सुख मिलेगा।